ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं आपको यहां पर आपको अगर मैं ऑफर देता हूं कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं और आपने इसके बदले मुझे फीस पे करा और आपने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, देन इस चीज को आप जो है यहां पर आपको एक लीगल रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो ऑफर कैसा होना चाहिए? ऑफर एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर एक लीगल रिलेशन हो। मेरी बात समझे? क्लियर है? आपने किसी से कहा कि मैं आपसे जो है शादी करना चाहता हूं, क्लियर है, और बाद में आप इस चीज से डिनाई कर गए, तो यहां पर भी क्या है, एक लीगल रिलेशन डेवलप नहीं है। यहां पर भी क्या, एक सोशल रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो एक वैलिड ऑफर या रूल ऑफर का यही है कि उसमें क्या होना चाहिए कि एक सोशल रिलेशन ना होकर के एक लीगल रिलेशन उसमें होना चाहिए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? मैं फिर से इस बात को एक और एग्जांपल से रिपीट करता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरा जो है जन्मदिन है और आपको ना आना है इस दिन, और आप किसी बिजी शेड्यूल में थे और मैंने एक बात आपके सामने रखी और इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि आप इसको अप्रूव करेंगे, तो मैंने अपनी विलिंगनेस आपसे कही और आपने इसको अप्रूव भी कहा, कह ठीक है जी, अगर आप कह रहे हैं तो हम आपके जन्मदिन पर जरूर आएंगे, और अपना सारा काम दाम आप सबमिट करके आप मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप आते हैं। और उस समय फिर मैं आपसे मजाक से कहता हूं कि मैंने तो आपको अप्रैल फुल बनाया, मेरा जन्मदिन है ही नहीं। तो आप इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, देन वो चीज हुई नहीं, क्योंकि यहां पर लीगल रिलेशन नहीं है, ये एक सोशल रिलेशन है। तो एक ऑफर उसी को आप वैलिड माना जाएगा जिसके अंदर क्या हो, एक लीगल रिलेशन हो। क्लियर है जी? तो ये वही बात कह रहा है कि आ सोशल इनविटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट रिलेशन, ऑफर शुड बी सच वेन इट इज द एक्सेप्टेड शुड रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। क्लियर है? समझे? तो एक लीगल रिलेशन होना चाहिए जो दोनों ही पार्टी को क्या करता है, बाइंडिंग करता है। अब यहां पर आप देखेंगे आगे ये भी कह रहा है कि ऑफर शुड बी सच वेन इट इज एक्सेप्टेड शुड रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। एक लीगल रिलेशन होने चाहिए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? सोशल रिलेशन लीगल रिलेशन में क्या फर्क होता है? देखिए, लीगल रिलेशन में अगर मैं आपको किसी चीज का ऑफर दे रहा हूं, अपने विलिंगनेस मैं आपसे कह रहा हूं और आप उस चीज के ऊपर अप्रूवल भी दे रहे हैं, तो मतलब कि रिटर्न में मुझे आपसे कुछ चाहिए और मैं भी आपको कुछ दे रहा हूं, तो इसको हम एक लीगल रिलेशन कहेंगे। क्लियर है जी? जैसे कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो बदले में आप मुझे फीस दे रहे हो, ये एक लीगल रिलेशन आ गया। क्लियर है? मैंने आपको एजुकेशन दी और आपने मुझे फीस दिया। क्लियर है? आप मेरे घर के ही सदस्य हैं और फिर मैंने आपसे कहा मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो यहां पर सोशल रिलेशन डेवलप हो रहा है, ना कि लीगल रिलेशन डेवलप हो रहा है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़े। फर्स्ट क्लास आप सभी बच्चों ने देख ली है, क्लास नंबर 1 देख ली है, आप सभी ने कंटेंट पे आया है, थोड़ा आने में देरी हो गई थी बट वो डाल दिया कंटेंट में, ये चीज समझ में आ गई। एग्जाम्पल वही जो मैंने अभी आपसे कहा, मैंने उसी एग्जाम्पल को यहां डिस्कस करा। क्या? मिस्टर श्याम, देखिएगा, राम इनवाइटेड मिस्टर श्याम फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। किसने इनवाइट करा? राम ने इनवाइट करा। किसको? श्याम को, बर्थडे ऑफ मिस्टर राम। नाउ नाउ दिस कैन नॉट बी कंस्पायर्ड एज एन ऑफर बाय मिस्टर राम एज इट इज ओनली अ सोशल इनविटेशन। इवन इफ मिस्टर श्याम एक्सपेक्टेड द इनविटेशन, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन मिस्टर राम। ठीक है ना? अगर उसने एक्सेप्ट भी कर लिया तो ये बाइंडिंग नहीं करेगा राम, क्योंकि हमने बड़े सेलिब्रेट कर, उसकी मर्जी है, वो नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये एक लीगल रिलेशन नहीं है, ये क्या है, एक सोशल रिलेशन है। अभी नहीं देखिए तो बेटा थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आज की क्लास में मैं थोड़ी छोटी ही रखूंगा, क्योंकि आप वो क्लास देखिएगा और आज की क्लास देखिएगा, दोनों क्लासेस है, फिर नेक्स्ट क्लास आपके साथ मुलाकात होगी तो उसमें आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। द ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ऑफर किसे कहते हैं? मैंने क्लास 1 में अच्छे से ऑफर को बता दिया है, इसलिए मैं इसको ऑफर को बार बार डिस्क्राइब नहीं कर रहा। अगर आप क्लास 1 देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। हाँ जी, द ऑफर मस्ट बी सर्टेन डिफाइंड एंड नॉट वैग्यू। देखिएगा कि ऑफर क्या है, ऑफर जो है सर्टेन डिफाइंड होना चाहिए, अनसर्टेनिटी ऑफर के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूं, बच्चे ये ऑफर नहीं है मेरी तरफ से। क्यों ऑफर नहीं है? क्योंकि इसमें ये चीजें डिफाइंड नहीं है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं। मेरी बात समझे? क्लियर है? मैंने आपसे बस ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट टीच करूं। मैंने आपसे ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक सब्जेक्ट टीच करूं, मैंने अपनी विलिंगनेस आपसे कही,
क्लियर है, इस पर्पस से कि आप इस पर अपना अप्रूवल दें, तो मेरे विलिंगनेस भी हो गया जिसको मैंने कह भी दिया, और आपके अप्रूवल का इंटेंशन भी मेरा है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। मेरी बात समझे? क्लियर है। तो लेकिन इस चीज को हम क्या, इस चीज को हम ऑफर के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे इस ऑफर में अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेन नहीं है, डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें ऑफर में ये चीजें क्लियर नहीं है कि मैं किस सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो ऑफर वो होता है जिसमें कि चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो कि किस चीज को मैं ऑफर दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाना चाह रहा हूं, या मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बिजनेस लॉ पढ़ें, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, तो यहां पर इसको आप ऑफर में कंसिडर करेंगे, ये एक वैलिड ऑफर है, इसको आप ऑफर मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने विलिंगनेस को आपसे कहा, और मेरे कहने में आप इस इंटेंशन को भी देख पा रहे हो कि मैं इस पर आपका अप्रूवल चाहता हूं, और सर्टेनिटी भी है। मैं एक सब्जेक्ट को भी मैंने मेंशन कर दिया कि मैं क्या पढ़ाने की बात कर रहा हूं। इसको क्या कहेंगे? इसको जो है ऑफर कहेंगे। कंटेंट में देखेंगे ना बच्चे, कंटेंट में आपके ऊपर ऑप्शन होगा ना। अब बिजनेस लो के आप अपने क्लासेस में जाइएगा तो कंटेंट होगा, कंटेंट में जाएंगे तो आपको क्लास नंबर फर्स्ट दिख जाएगी, ठीक है जी। और क्लास जब भी डलती है तो आपको नोटिफिकेशन आती है उसके कंटेंट अपडेट का। तो आपको ये समझ में आया कि ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डिफाइंड। क्लियर है? ऑफर एक सर्टेन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर है जी? तो इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर द इनडिफाइनाइट एंड द पर्सन टू हुम इट इज मेड डज नॉट नो व्हाट ही हैज टू एक्सेप्ट। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है। मैंने कहा मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप मुझसे एक सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या एक्सेप्ट करें, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो इसको ऑफर के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, मतलब कि एग्जाम्पल आपको इस तरीके से दिया हुआ है, मान लीजिए मैं मल्टीपल्स ऑयल में डील करता हूँ, बहुत सारी ऑयल में डील करता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको अपना ऑयल जो है बेचना चाहता हूँ, तो ये ऑफर में नहीं होगा, क्योंकि मैं किस ऑफर की बात कर रहा हूँ ये चीजें मेंशन, ये चीजें क्लियर नहीं है। हाँ, अगर मैं वो एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो वो फिर मान लिया जाता कि यहाँ पर डिफाइंड है। क्लियर है? बट मैं जब इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो उसके अंदर ये चीजें नहीं मानी जाएंगी। तो दो बातें समझ में आई आपको। द ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड, द ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड। देखिए, ऑफर एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ऐसा ही नहीं, ऐसा नहीं कि आपने आंखों आंखों में इशारा कर दिया, ठीक है, सामने वाला मुस्कुरा करके चला गया। क्लियर है? कल से आपको दिखाई दे नहीं रहा, आप कोर्ट पहुंच जाओ और बोलो कि मैंने ऑफर दिया था और एक्सेप्ट भी करा उन्होंने, और वो डील टूट गई है, अगला इग्नोर कर गया मेरे को, आज दिखा तो मैं इस पे केस करना चाहता हूं। बिल्कुल भी नहीं, वो ऑफर में कंसीडर हुआ ही नहीं था, तो कहां से इसको एक्सेप्टेशन मिल गई? बात समझे या नहीं समझे आप? क्लियर है? इस ऑफर क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, वर्ड में होना चाहिए, बाय वर्ड होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, या फिर आपका ऑफर एम्प्लाइड होना चाहिए। एम्प्लाइड मतलब दिखना चाहिए कि आप ऑफर दे रहे हो। मतलब एम्प्लाइड क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कल की क्लासेस में, एम्प्लाइड का मतलब क्या होता है देखिएगा। जैसे ये एक बस स्टॉप पे आके रुकी, दरवाजा खोला, इसका मतलब इसने अपना एक ऑफर दे दिया है कि भैया जिसको भी इस डायरेक्शन में जाना है, या फिर इस एड्रेस पे जाना है, बस पे जो नंबर लिखा रहता है, जिसको भी जाना है वो आइए बैठिए, और आप जो है आप अपनी जर्नी एंजॉय कीजिए, यहाँ पर कोई आवाज नहीं मारी, सीधा दरवाजा खुला है और आप जाकर के अंदर बैठ जाओ अगर आपको यहाँ पे जाना है। तो ये बस की तरफ से ऑफर हो गया, ये वर्ड में नहीं है, रिटर्न में नहीं है, बट बाय कंडक्ट है। क्लियर है? मेरी बात समझे? तो या तो ऑफर इस तरीके से हो, क्लियर है, बाय कंडक्ट हो, या फिर बाय वर्ड हो या रिटर्न हो, तो इसको हम ऑफर कहते हैं। तो जो बस स्टैंड वाला भी मैंने एग्जांपल लिया, इसको एम्प्लाइड कहते हैं, एम्प्लाई करो आप ऑफर को। तो ऑफर दो तरीके के होते हैं, या तो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या फिर वो एम्प्लाइड होना चाहिए। क्लियर है? अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, आंखों आंखों में आपने इशारा करा, वो मुस्कुरा गई, या फिर वो मुस्कुरा गया और आप खुश हो गए कि भैया मैंने एक ऑफर दिया था, उन्होंने एक्सेप्टेशन उन्होंने दे दी, अब बात बन गई, अब ये एग्रीमेंट हो गया, अब वो कल के दिन आपको अवॉइड कर दे, आप परसों कोर्ट में चले जाओ, बोलो भैया मैंने ऑफर दिया था, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी करा था, जज ने पूछा कैसे ऑफर दिया, मैंने बोला मैंने आंखों से इशारा करा था, तो कैसे एक्सेप्टेशन हुआ, वो मुस्कुरा गई या मुस्कुरा गया, तो भैया हमारा एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप कोर्ट में जाकर के इस बात को चैलेंज कर दो, तो फिर जज आपको पता ही है कि कितने गुस्से में आ जाएंगे और आपके ऊपर फाइन लगेगा, क्योंकि ये आपका एक ऑफर के अंदर कंसिडर होगा ही नहीं, वो या तो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या तो वो एम्प्लाइड होना चाहिए। मेरी बात समझे या नहीं समझे?
क्लियर है जी? द ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड. चलिए, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर. देखिएगा, ऑफर एक अलग चीज होती है और इनविटेशन ऑफ ऑफर एक अलग चीज होता है. आप समझिए पहले ऑफर क्या होता है और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है. इस बात को आप जरा यहां पर आप समझिए. क्लियर है? मान लीजिए ऑफर और इनविटेशन ऑफ ऑफर में क्या डिफरेंसेस है, इस बात को आप समझिएगा. अच्छे से इस बात को समझते हैं. एक एग्जांपल है, काफी अच्छी तरीके से इसको आप समझेंगे. मान लीजिए कि आप जो है एसआरसीसी कॉलेज में, मान लें कि आप जो है एसआरसीसी कॉलेज के अंदर एक प्रोस्पेक्टर लेकर के आते हैं, उस पर एडमिशन फॉर्म है, आप उसको फिल करते हैं और आप एसआरसीसी कॉलेज जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि भैया आप मेरा एडमिशन लो. एसआरसीसी कहता है कि सॉरी हमारी सीट फुल हो चुकी है, हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते. तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे नहीं ले सकते, आपने मुझे ऑफर दिया है, आपने प्रोस्पेक्टर इशू किया था, मैंने इस प्रोस्पेक्टस को आपके लिया है और मैंने फिर इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, मैं आपको दे रहा हूं फॉर्म भर करके. तो आपको फॉर्म में आपने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको जो है ये कॉन्टेक्ट हो गया, आपको तो एडमिशन लेना पड़ेगा. तो वो आपसे कहेगा, वो मैनेजमेंट कहेगी कि मैंने आपको किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं दिया, मैंने इनविटेशन टू ऑफर दिया है. मैंने आपको ये कहा कि आप हमें ऑफर दो, वहां पर एक एडमिशन फॉर्म था, बात समझे, आपको वो फॉर्म दिया था हमने कि आप इस फॉर्म को फिल करके हमारे पास में लाए. तो ऑफर कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं आप दे रहे हैं, हमने तो आप हमें ऑफर दो इस चीज का, हमने आपको इनविटेशन दिया, इनविटेशन टू ऑफर, बेसिकली ऑफर आप मुझे दे रहे हैं, ठीक है ना. तो मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इसको अभी एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप एक्सेप्ट करें या ना करें. क्लियर है जी? मैंने इनविटेशन टू ऑफर दिया था, मैंने आपको ऑफर नहीं किया था कि आपको हम अपने कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, आप आकर के एडमिशन ले लीजिए. हमने आपको ये ऑफर नहीं दिया था, हमने वहां पर एक फॉर्म डाला था जिसको आप भरेंगे एडमिशन के लिए. तो ऑफर आपकी तरफ से आएगा, हमने आपको जो दिया वो इनविटेशन ऑफ ऑफर हो गया. इस बात को समझिएगा, मेन क्वेश्चन पेपर में आता है आपका. क्लियर है जी? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज जरूर पूछेंगे वो. तो आपको समझ में आया कि क्या है कि इनविटेशन ऑफ ऑफर एंड ऑफर में क्या डिफरेंसेस है, इस बात को आप समझ पाए. कोई डाउट किसी स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो जरूर पूछे आप. क्लियर है? किसी स्टूडेंट कोई डाउट? तो इनविटेशन तो ऑफर क्या होता है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें इनविटेशन दीजिए. मेरी बात समझे? क्लियर है? ट्यूशन है या कोई क्लासरूम है, कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं हम आपसे, तो आप हमें ऑफर दे रहे हैं, हमने आपको इनविटेशन दिया है. मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर हमने आपको कोई फॉर्म बांट दिया कि भाई आपको इस चीज में पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद लोग हो गए हैं और फिर आपको उस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया. नहीं, हमने आपको फॉर्म बांटा था, आप फॉर्म भर के हमें दें, तो ऑफर आप दें. हमने तो आपको इनविटेशन दिया, आप हमें ऑफर दें इस बात का. तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफर. हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप हमें ऑफर दें, ना कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं. मेरी बात समझे? दोनों चीजें अलग अलग हैं, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा. क्लियर है जी? अभी मैं चेक कर लेता हूं. क्लियर है जी? कोई डाउट? तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आपको आ गई है. द पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट इंटेंड्स टू बी बाउंड बाय इट एज सून एज इट इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड बाय द अदर देन इट इज ऑफर. जाहिर सी बात है, एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, ये ऑफर है. बट वेयर द पर्सन इंटेंड्स समवन फर्दर एक्ट्स टू बी डन बिफोर ही बिकम्स बाउंड बाय इन दैट इट इज एन द इन्विटेशन टू ऑफर. ये क्या आपका, ये आपका इन्विटेशन टू ऑफर है. समझे नहीं समझे? फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, वही मैंने एक एग्जाम्पल कॉलेज का जो है प्रोस्पेक्टर का लिया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा. क्लियर है? मेरी बात समझे नहीं समझे आप? तो द ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ द नॉन कंप्लेंस. तो आपका यहां पर, यहां तक आपको पहले बताइए चीज समझ में आपको आई या नहीं आई, पहले आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए, अगर कुछ चीजें डाउट है तो जरूर आप पूछे. देखिएगा,
कोई ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर की कुछ इस तरीके का कंडीशन है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने आज अपना कोर्स को लॉन्च किया है, बिजनेस लॉ का कोर्स है, अगर आपने आज इस चीज को अपना रिप्लाई नहीं करा यस और नो में, क्या आप लेंगे या नहीं लेंगे, मैं आपको एक मैसेज कर देता हूं, आपका कोर्स का लिंक दे दिया, और मैंने कहा कि आप, मैं चाहता हूं कि आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, तो अपने विलिंगनेस को मैंने आपको एक्सप्रेस कर दिया और इस इंटेंशन से एक्सप्रेस कर दिया कि आप इसमें अपना अप्रूवल दें, वो दे ना दे वो आपके ऊपर है। लेकिन बाद में मैं एक ऐसी कंडीशन इसमें डाल देता हूं कि अगर आपने आज अपना कुछ भी डिसीजन नहीं लिया इस चीज के ऊपर, तो मैं ये मानूंगा कि आपने मेरा ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया, तो इस चीज को फिर ऑफर नहीं कहेंगे। कहीं फिर आपने नहीं माना और मैं आपसे कल क्लेम कर रहा हूं, भाई मेरी फीस दो, मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कि अगर आप एक्सेप्ट कुछ भी नहीं बोलेंगे तो हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप मेरी फीस दो। नहीं, ये मेरे तरफ से ऑफर है ही नहीं, क्योंकि इस चीज को कभी भी मैं कोर्ट में लेकर नहीं जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑफर अगर आप दे रहे हैं तो ऐसे उसके एक्सेप्टेशन को लेकर के कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, वो करेगा उसके, उसको पूरा फ्रीली छोड़ना है आपको, वो अपना डिसीजन लेगा, टर्म्स कंडीशन कैसे वो इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो अपनी बात रखेगा, आप उसके बिहाफ पर किसी भी तरीके का टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। तो ये कह रहे, द ऑफर शुड नॉट कंटेन आ टर्म द नॉन कंप्लेंस, कि अगर वो उस चीज को फुलफिल नहीं करता है तो आपने ऐसा कुछ टर्म उस पर लगा दिया, इसको हम ऑफर नहीं कहेंगे। क्लियर है जी? स्पेशल टर्म्स ऑफ एन ऑफर शैल बी ब्रॉट इन टू द नोटिस ऑफ द अदर पार्टी। अब देखिएगा, आपने एक ऑफर दिया, क्लियर है मेरी बात समझिएगा, मैंने आपका एक एडमिशन लिया, मैंने आपका एक एडमिशन लिया और कुछ इस तरीके से एक फॉर्म आपने फिल करा, ठीक है, और इसके पीछे बैक साइड पे, इसके बैक साइड पे मैंने आपको ये लिखा हुआ है कि फी जो है फी रिफंडेबल नहीं है, फी जो है आपका रिफंडेबल नहीं है, मैंने बैक साइड में लिखा, क्लियर है? तो मैंने आपको ऑफर दिया और आपने इस फॉर्म को फिल किया और आपने अपना एडमिशन ले लिया, और कल के दिन आप मेरे पास क्लेम करते हो कि सर हमारी फीस हमारी रिफंड कर दो। मैं आपको कहता हूं कि देखो, आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है इस पे मैंने लिखा हुआ है कि फी जो है वो रिफंड नहीं होगी, पहले ही चीज को हमने मेंशन कर दिया है, तो कोर्ट में ये बात जाएगी, तो कोर्ट में आप स्ट्रांग होंगे, मैं वीक पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि जो कंज्यूमर है, जो ऑफर है, ऑफर का अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो कंज्यूमर को दिखना चाहिए, या कंज्यूमर छोड़ दीजिए, सामने वाले को दिखना चाहिए, जिसको आप ऑफर दे रहे हैं ना उसको वो चीजें नजर आनी चाहिए, अगर ऑफर में कोई टर्म्स कंडीशन है। अगर ऑफर में कोई टर्म्स कंडीशन है बट उसको वो चीजें नहीं दिख रही हैं, तो फिर उसको ऑफर नहीं मानोगे। अगर आप कहोगे सर अगर वो देख करके भी अवॉइड कर दे इस चीज को, तो बच्चे उसको लिखना चाहिए था यहाँ पर कि प्लीज सी बैक साइड। अगर वो इस स्टेटमेंट को भी लिख देता ना, तो अब उसके बाद फिर मैं स्ट्रांग हो जाता और आप वीक हो जाते, क्योंकि मैंने उस चीज को आपके सामने फ्रंट पेज पे लिख दिया कि बैक साइड भी देखो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। क्लियर क्लियर है? प्लीज सी बैक साइड फॉर टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहां पर फिर मैं स्ट्रांग हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर एक ऐसा मैं ऑफर दे रहा हूं उसमें कोई टर्म कंडीशन है, तो उससे उसको सामने वाली जो पार्टी है उसको हमें अवेयर भी करना चाहिए ऑफर देते टाइम पर, या तो उसके फ्रंट पे लिखा हुआ होना चाहिए वो चीजें। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे कि मेरा ऑफर है, अदरवाइज वो सीधा चुपचाप से कहीं पर एक कोने में पीछे आगे कहीं चिपका दिया और उसके बारे में कुछ भी सामने हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो उस चीज को मेरी तरफ से ऑफर नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे सर? पॉइंट समझा, समझ आ रहा है? क्लियर है? तो आपका जो है ये मैंने कुछ कंडीशंस डाला था, तो आज मेरा चैप्टर ऑफर कंप्लीट हो जाता है 2 क्लासेस में। एक्सेप्टेशन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके साथ में, एक चैप्टर नंबर 1 ऑफर आपका कंप्लीट हो गया। आपको समझना है क्योंकि केस स्टडी आपको समझ करके लिखनी है। क्लियर है जी? अब ऑफर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है अभी एक्सेप्टेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक चैप्टर में दोनों ही हैं आपके, ऑफर भी है और एक्सेप्टेशन भी है। मैं अब नेक्स्ट क्लास में जल्दी से जल्दी आपका एक्सेप्टेशन खत्म करने की कोशिश करूंगा, देन इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। क्लियर है जी? मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। कंटेंट में वीडियो है, मैं एक बार चेक कैसे करूँ अगर मैं बैक साइड जाऊंगा।